हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सैटरडे वीकेंड स्पेशल एक लंच रूटीन, और दोपहर के टाइम पर हमने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी अराउंड 10:30 हुए हैं और मॉर्निंग का सारा काम निपटा कर नहा धोकर मैं आई हूँ नीचे और भगवान जी के सामने हाथ जोड़े हैं। हमेशा भगवान की ब्लेसिंग आते जाते किसी भी टाइम लेना बिल्कुल ना भूलें। और आज अद्वी का एक समर कैंप टाइप है, सिर्फ एक दिन का एक फेस्टिवल है, तो अद्वी और उसके पापा जाने वाले हैं वहाँ, तो अद्वी को तैयार किया है। और यहाँ पर जरा अद्वी की हरकतें देखें आप, वो जाते हुए मुझे टंग दिखा के जा रही है कि मम्मा आई एम गोना इंजॉय और आप घर पर रहोगे। तो ये लोग अभी निकले हैं और मैंने थोड़ा सा काम जो है किचन का वो किया है। मैंने बैंगन जो है वो रखे हैं माइक्रोवेव में भूनने के लिए। आप चाहे तो गैस पर भी भून सकते हैं, मुझे माइक्रोवेव में इजी लगता है और फिर कुछ गंदा भी नहीं होता है। और माइक्रोवेव में किस तरह से भूना जाता है इसकी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है माइक्रोवेव हैक्स की, आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी आप इसको प्रेशर कुकर में भी प्रेशर दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको गैस पर भी भून सकते हैं। तो मकसद बैंगन को गलाना है, तो बैंगन वहां पर भुन रहे हैं। और मौसम आज का जो है वो बहुत अच्छा है, काफी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा धूप निकल रही है तो गर्मी जबरदस्त चल रही है, पारा बिल्कुल हाई पर है। और इंडिया के मौसम को मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही हूँ, आजकल ऐसी हालत हो रही है यहाँ पर। और ये जो वीडियो है ये सावन शुरू होने से पहले की है और ये स्कूल का लास्ट वीक था, इसके बाद स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी। तो यहाँ पर मैं दाल वगैरह जो है वो भिगोकर रख रही हूँ और खाने का भी टाइम नहीं हुआ है मुझे, लेकिन बाहर जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, मोस्टली हस्बैंड करते हैं लेकिन आज वो उसको समर कैंप लेकर गए हैं तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ, टाइम भी था थोड़ा मेरे पास, तो जब तक वो लोग आएंगे शॉपिंग हो जाएगी और खाने की तैयारी कर लूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने चावल निकाले हैं डिब्बे में से और डिब्बा मेरा पूरा खाली हो गया है चावलों का, और साथ ही मैंने यहाँ पर दाल निकाली है। तो दाल ली है मैंने एक दो चमचे भर के, मैंने यहाँ पर लिए हैं अरहर की दाल के, और दो चमचे ही मैंने भर के यहाँ पर लिए हैं मिक्स दाल की। जो मिक्स दाल है इसमें मूंग मसूर मैंने मिलाकर रखी हुई है, मूंग दोनों तरह की है इसमें, छिलके वाली भी और बिना छिलके वाली भी। तो ये सारी दाल मैंने रख दी है और इनको मैं भिगो कर रख दूंगी और धो दूंगी चावल को और दाल को। साथ ही क्योंकि डिब्बा खाली हुआ है और ऑलमोस्ट क्लीन ही था तो बस मैंने टॉवल से उसको एक बार अच्छे से साफ किया है और अब मैं इसमें चावल करके रख दूंगी। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन से राइस यूज़ करते हैं, तो आज जब मैं फिल करने वाली थी तो मैंने सोचा कि चलिए दिखा देती हूँ आपको। तो हम ये कोहिनूर का चावल यूज़ करते हैं, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है, बासमती राइस है, इंडिया से आता है पैक होके, और डेली में भी बिरयानी में, पुलाव में, हर चीज़ में मैं यही यूज़ करती हूँ। सिर्फ खीर के लिए मैं नए चावल खरीद कर लेकर आती हूँ क्योंकि उनमें थोड़ा मिठास होता है, बासमती चावल थोड़े से पुराने होते हैं तो ये बहुत लंबे और खिले खिले बनते हैं और हमें इसका टेस्ट बहुत पसंद है। इसके अलावा टिल्डा भी आता है यहाँ पर, ब्लू पैकेट जो मिलता है टिल्डा का, वो भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, तो मैं कभी कभार उनको ले आती हूँ जब बिल्कुल ही मन हो कि बिल्कुल खुशबूदार बिरयानी खानी है, बाकी हम ये कोहिनूर ही लेकर आते हैं। तो चावल फिल हो गए हैं, इसके बाद मैं अब दाल को धोकर रख दूंगी और चावल को भी धोकर रख दूंगी। और अब वो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर सो करके रख दी हैं और अब मैं जा रही हूँ बाहर ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो बैग्स वगैरह मैंने ले लिए हैं अपने और मैं मोस्टली बैग्स जो हैं वो घर से ही लेकर जाती हूँ, अदरवाइज़ फिर वहाँ पर प्लास्टिक के बैग्स लो, बिना बात प्लैनेट को क्यों इतना क्राउडेड करना। वैसे ही पॉलीथीन यहाँ पर तो इतनी पैकेजिंग में आती है कि
क्या बताएं, हर चीज़ रिसाइकल भी नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर जो भी मैंने शॉपिंग की है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बस ये था कि टाइम से घर पहुँच जाऊँ और मुझे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मिली है। पैकेट यहाँ उल्टा रखा है, आई डोंट नो कितने लोगों ने गैस किया होगा। अगर गैस किया है तो वीडियो को यहीं पॉज करके मुझे कॉमेंट करके बताएं कि क्या था। तो शॉपिंग पूरी हो चुकी है और बस मैं घर की तरफ आ गई हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और बस दो बैग्स थे यही मैं लेकर आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं था क्योंकि मील प्लानिंग के हिसाब से ही लेकर आते हैं। आलू जो होते हैं वो 2-3 हफ्ता चल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर वीक ही आलू लेकर आने होते हैं। तो इसी तरह हर वीक जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो बस मैं सामान ये सारा निकाल लेती हूँ और क्विकली आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो बस ये है सारा का सारा सामान। और सबसे पहले है दूध की कैन और एक ग्रीक स्टाइल योगर्ट, मुझे कुछ बनाना था इसलिए मैं वो लेकर आई हूँ। एक्टिमल लेकर आई हूँ और ये मल्टी फ्रूट का है और ये बहुत अच्छी रहती है। साथ ही नेस्क्वेक है, ये अदवी को मैं दूध में घोल कर देती हूँ, और क्योंकि उसको दूध का प्लेन पसंद नहीं आता है टेस्ट, तो इसलिए मैं ये लेकर आती हूँ। स्प्रिंग अनियंस लेकर आई हूँ, इनकी कल मुझे एक बड़ी अच्छी सी सब्जी बनानी है। साथ ही मैं लेकर आई हूँ गूसबेरीज, ये है आंवला, इंडिया वाला तो नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी खट्टा रहता है, और इसकी मैं एक ड्राई अचार टाइप बनाती हूँ। बेबी कॉर्न लेकर आई हूँ और शिमला मिर्च लेकर आई हूँ और साथ ही टिक्का मसाला। तो टिक्का मसाला और ग्रीक स्टाइल योगर्ट जो है उसकी मुझे एक करी बनानी है, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ, और वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर शेयर की हुई है। मशरूम, टिक्का मसाला और कैप्सिकम, इन सबको मिलाकर वो बनती है। और ये है वो चीज़ जो मुझे दिखी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मोती चूर के लड्डू। और ये 3 पाउंड का पैकेट है, 3 पाउंड के 6 लड्डू। दुनिया में आफत ही आ रही है, इतनी महंगाई है सच में, लेकिन क्या करें, जब दिख जाए तो फिर रुका नहीं जाता। तो मैं लेकर आई, एटलीस्ट टेस्ट करने को तो मिलेंगे। और ये स्नैप लेकर आई हूँ, बीन्स होती हैं एक तरह की स्ट्रिंगलेस, और किटकैट है, ये कुछ स्नैक हैं क्रिस्प वगैरह। छोले का पैकेट काफ़ी सस्ता था, मोस्टली ये वाला जो पैकेट है वो 3.5 पाउंड का मिलता है, लेकिन अब ये 2 पाउंड का हो रहा था, 2 किलो का, तो वो मैं ले आई हूँ। छोले तो बनते ही काफ़ी हैं घर में। और साथ में ये है इंडस का मैंगो जूस, और ये कुछ हद तक फ्रूटी का टेस्ट रखता है, शुगर काफ़ी रहती है, लेकिन जब आम ना मिले अपने देश के तो फिर इन्हीं चीज़ों से गुजारा चलाना पड़ता है, तो इसलिए मैं एक ये ले आई हूँ। और बस ये थी सारी की सारी शॉपिंग। अब मैं इस सामान को लगाऊंगी, और सामान पूरा लगा ही नहीं था कि ये लोग आ गए थे समर कैंप से। मुझे ये था कि मैं खाना भी बना लूँगी, लेकिन मैं बना ही नहीं पाई तब तक कुछ भी। और फेस पेंटिंग हो गई है, और मेरे लिए ड्रीम कैचर बना के लाई है अद्वी, उसके रूम में था तो अब ये मेरे रूम में लग गया है, ऑलरेडी टंग चुका है, ताकि मम्मा को जो है वो सपने ना आए बुरे। और आप मेरे सर पर चश्मा देख सकते हैं, मैंने पूरा खाना भी बना लिया था सर पे चश्मा लगाए लगाए धूप का, आते ही मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि चश्मा भी उतार के रख दूँ। तो जब रोटियां सेक रही थी तब हस्बैंड ने बताया कि हाँ चश्मा भी लगा हुआ है अभी तक सर पे, तो यही होती है हालत। खैर आज का जो लंच है वो हस्बैंड का फेवरेट है, साथ दोनों चीज़ें जो हैं उनकी फेवरेट हैं, तो हस्बैंड स्पेशल लंच बन रहा है आज। दाल डाल दी है मैंने प्रेशर कुकर में और पानी डाल दिया है, तो जितनी दाल होती है उससे 1.5 गुना पानी मैंने यहाँ पर डाला है। नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दी है इसमें मैंने, और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला है। इसके बाद इन चीज़ों को मैं एक बार अच्छे से मिला दूँगी। तकरीबन 5 चमचे मेरी दाल थी ये, और उसमें मैंने डाला है अंदाजे से 3-3.5 कप पानी, और बिल्कुल सही बनती है। तो उधर दाल में सीटी आ जाएगी, फिर मैं उसे सिंपर कर दूंगी 2 मिनट के लिए, और फिर 1 सीटी लगवाऊंगी। इधर मैंने दूसरी वॉक चढ़ाई है जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और उसके बाद मैंने उसमें जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, साथ ही मैंने उसमें डाल दी है थोड़ी सी अनियन, और एक होगी मीडियम साइज़ की अनियन जो मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप कर ली थी। और अब अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है हमें, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। और जैसे ही अनियन भुन जाए इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दें, हल्दी पाउडर डाल दें, आधा आधा चम्मच ही डाला होगा, थोड़ा सा सॉटे कर लें। इसके बाद मैनुअल चॉपर में ही मैंने 2 बिग साइज़ के जो टमाटर थे वो मैंने चॉप कर लिए थे वो डाल दिए हैं, और एक ये फ्रोज़न जिंजर गार्लिक की क्यूब डाली है, इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी चैनल पर है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से कि कैसे बनाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मैंने डाल दी हैं 2 बड़ी
ग्रीन चिलीज, इनको मोटा मोटा ही काट कर डाला है ताकि बस फ्लेवर आ जाए इनका, ज़्यादा तीखी ना लगे। सॉल्ट भी टेस्ट के हिसाब से मैंने डाल दिया है और इसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसके बाद आप इसको बीच में एक बार चला दें ताकि ये नीचे लगे ना, हालांकि नॉनस्टिक है लगता नहीं है लेकिन फिर भी चला लें एक बार। और जब ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने लगे इसके बाद आप इसमें रेड चिली पाउडर डाल दें कश्मीरी, इससे बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट भी आता है, रंग भी आता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं उबले हुए वो बैंगन जो मैंने माइक्रोवेव में रोस्ट किए थे, उनको मैंने स्कूप आउट कर लिया था। तो ये सब्जी जो है ये बहुत ही स्पेशल डिफरेंट सी सब्जी है, तो मैं पहले इसका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप बताएं कि इस सब्जी का क्या नाम है, बाद में मैं ज़रूर बता दूंगी कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था ताकि मसाले के साथ बैंगन जो है वो बिल्कुल एक जान हो जाए और कुछ कुछ भुरते जैसा यहाँ पर इसका जो लुक है टेस्ट है वो आने लगता है। इस पॉइंट पर अब मैं ऐड कर दूंगी फ्रोज़न मटर, और मैंने इनको वॉश कर लिया था लेकिन इतनी ज़्यादा ये ठंडी थी कि इन्होंने मग की शेप ले ली। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि स्टीम में जो मटर है वो अच्छे से हो जाए थो, और इनको आप बस थोड़ा सा पका लें। और ये है पनीर, ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डालकर रख दिया था क्योंकि फ्रेश पनीर नहीं था, 2 दिन पहले का बनाया हुआ था तो थोड़ा टाइट सा हो जाता है रखा हुआ, तो वो पनीर मैंने गर्म पानी के साथ ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको आप एक बार चला दें और कवर कर दें, और हम इसको भरता पनीर बोलते हैं, भरते पनीर की सब्जी, आप बताइए आप इसको क्या बोलेंगे। इधर दाल जो है मेरी वो भी बिल्कुल कुक हो चुकी है, और ऐसे भी ये दाल बहुत टेस्टी लगती है लेकिन अभी हमें इसमें तड़का लगाना है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है और गरम मसाले का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, होममेड गरम मसाला है और उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी चैनल पर है। दाल को थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए मैंने इसमें 1 नींबू जो है वो निचोड़ कर डाल दिया है, और छलनी से मैं कर रही हूँ नहीं तो फिर बीज चला जाता है, तो इस तरह से आप छान लें। और जो मेरे पास नींबू निचोड़ने वाला है वो उस इंडिया का है तो यहाँ के नींबू बहुत बड़े होते हैं तो ये फिट ही नहीं आते उसमें, तो मुझे हमेशा ऐसे ही निचोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने तड़का पैन चढ़ाया है दाल में तड़का लगाने के लिए, और हीट को मैंने बिल्कुल सिम पर ही रखा है क्योंकि बहुत हल्का सा पैन है, ये जल जाता है नहीं तो साइड से। और जैसे ही घी गरम होगा उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हींग, और हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, दाल वगैरह में ज़रूर यूज़ करें। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच के करीब होगा, और जैसे ही जीरा भुन जाए इसके बाद आप इसमें डाल दें बिल्कुल फाइनली चॉप किया हुआ गार्लिक, और गार्लिक काफ़ी सारा होना चाहिए। और ये जो दाल है इसको हम बोलते हैं लहसुनी मिक्स दाल, क्योंकि इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा होता है और बाकी प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डलती है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है मैंने, और उसके बाद इस तड़के को मैंने डाल दिया है दाल में, और थोड़ी सी दाल मैंने तड़का पैन में डालकर ताकि सारी चीज़ें अच्छे से निकल जाएं, और वो मैंने दाल में शामिल कर दिया है। तो देखते ही देखते दाल भी हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है, और बहुत ऑथेंटिक बहुत ही टेस्टी ये दाल बन के तैयार होती है। इधर हमारी जो सब्जी है वो पिछले 4-5 मिनट से पक रही है, अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया बारीक बारीक काट के, और इसमें बिल्कुल लास्ट स्टेज पर नहीं डलता है हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया डालने के बाद आप इसको 2 मिनट और पकाएं। और गरम मसाला भी डाला है 1/2 चम्मच मैंने, और इन सारी चीज़ों को आप एक बार मिक्स कर दें और कवर करके रख दें 2 मिनट के लिए, और उसके बाद जो हमारी ये सब्जी है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी और ये बहुत टेस्टी बनती है। मैं ये सब्जी डेली खा सकती हूँ कोई मुझे बना कर दे तो, बस ये कि थोड़ी सी मेहनत लगती है, बैंगन को भूनो और बहुत सारे काम रहते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ सो ऑसम सो टेस्टी। तो सब्जी बन गई है, दाल बन गई है, चावल भी मैंने उबाल लिए हैं, और अब बारी आती है रोटियां बनाने की। आटा भी मैंने इसी बीच में बना लिया था, तो बस अब मैं रोटियां सेक लेती हूँ, इसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे।
अद्वी और उसके पापा यहीं लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और साथ साथ बातें चल रही हैं। तो ये देखिए हमारा आज का लंच और थाली लग के तैयार हो चुकी है। यम्मी टेस्टी बहुत अच्छी लगती है, दोनों चीज़ें मस्ट ट्राई हैं, ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सब मेरे चैनल नेम से ही हैं, कोई डिफरेंट नेम नहीं है। सैलेड है साथ में और साथ में है ये रायता जो कुल्हड़ में सर्व होता है, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम इंजॉय करेंगे अपना लंच और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बट प्लीज़ ट्राई दिस वन। तो लंच वगैरह करने के बाद मैंने किचन भी समेट दी है और अब आती है बारी मीठा खाने की, बहुत ही महंगे वाला मीठा। एक्चुअली ये तो बोल ही रहे थे कि 3 पाउंड के 6 लड्डू क्यों लेकर आई है, लेकिन मुझे मोतीचूर के जो लड्डू हैं वो बहुत पसंद हैं। घेवर तो मिलता ही नहीं है, एटलीस्ट जो चीज़ मिली और मैंने पहली बार देखे ये मॉरिसन पर आए हुए। बाकी मिक्स मिठाई और गुलाब जामुन रसमलाई वहाँ हमेशा ही रहती है, लेकिन मोतीचूर के लड्डू मैंने पहली बार देखे तो आई वॉज़ लाइक कि नहीं ये तो लेने ही है, एक बार तो एटलीस्ट खाना ही है। पता नहीं कब खाए थे, सदियों पहले इंडिया में थे तभी खाए थे। और यहाँ पर अद्वी अपना जो है वो फेवरेट गेम खेल रही है, उसके हाथ में आप कृष्णा जी का जो मुकुट है वो देख सकते हैं। अद्वी को कृष्णा बनना बहुत ही पसंद है और आज क्योंकि उसके फेस पर पेंटिंग हुई है तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कृष्णा जी के माथे पर लगाते हैं बिंदियां, जैसे शादियों में पहले भी लगती थी ना दुल्हनों के ऊपर, आई थिंक मेरी शादी में मेरे भी लगी थी उस तरह की, कुछ ध्यान नहीं अब तो मुझे कि लगी भी थी या नहीं लगी थी, लेकिन उस तरह की लगी हुई है। तो उसको ये लग रहा है कि हाँ मैं कृष्णा की तरह तैयार हूँ, तो वो कृष्णा की तरह तैयार हो रही है और यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं लड्डू। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये लंच रूटीन पसंद आया होगा। हमारा बिजी सा सैटरडे व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी भी पॉइंट पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने दीप सॉल इन वन चैनल पर। Thank you so much for watching. Lots of love to you all. Bye bye. Take care.